राम राम सारियाने। आजकल 75 डे चैलेंज काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में इस चैलेंज को पॉपुलर करने में सबसे बड़ा हाथ अंकित सिंह का है। बहुत से लोग उनसे इंस्पायर होकर इस चैलेंज को स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, आदमी कितना भी अच्छा काम कर ले पर जलने वाले और हेट करने वाले तो आएंगे ही। जहाँ कुछ लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं वही कुछ लोग उनको हेट दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही छपरियों को एक्सपोज करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स ट्विटर में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अंकित भाई से सबसे ज्यादा जलने वाले क्रिएटर्स वो है जो खुद तो घटिया कंटेंट बनाते हैं और चाहते हैं कि लोग उनका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देखे, जैसे कि वल्गर कंटेंट, न्यूडिटी, लिपसिंग, स्लो मोशन वॉक एक्सेट्रा। यही सब सड़ी हुई चीजें देखकर आजकल के बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं और ऐसे लोगों को वो इन्फ्लुएंसर समझते हैं। अब यही इन्फ्लुएंसर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अंकित भाई इतना अच्छा चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं जो कि लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए इंस्पायर करेगा। इतना ज्यादा पॉजिटिव और हार्ड वर्किंग कंटेंट होने के बाद अंकित भाई इतना फेमस हो रहे हैं जिससे जो यूथ है वो फालतू कंटेंट देखना बंद कर देगा। इस बात के डर की वजह से ये सारे फेक इन्फ्लुएंसर्स अंकित भाई को हेट दे रहे हैं। ये सारे नकली बेरोजगार छपरी इन्फ्लुएंसर्स अंकित भाई के 75 डे चैलेंज का मजाक बना रहे हैं क्योंकि इनके खुद के बस का तो है नहीं कि इतना ज्यादा हार्ड चैलेंज कंप्लीट करे। ये तो हो गई छपरी इन्फ्लुएंसर्स की बात, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके धर्म के नाते उनको हेट देते हैं। आपने पायल रोहतगी का वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा कि हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर सनातन का विरोध करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अंकित भाई के राम राम बोलने से और अपने चैलेंज में रोज गीता पढ़ने से भी प्रॉब्लम है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस भी काम को श्री राम के नाम से शुरू करो वो कभी फेल नहीं होता। इसीलिए किसी भी तरह से चाहे तुम छपरी लोग अंकित भाई को चाहे जितना भी हेट दे लो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका 75 डे चैलेंज ऑलरेडी सुपर हिट हो चुका है। अंकित भाई ने तो इस चैलेंज को बड़े आसानी से पूरा कर लिया और मैक्सिमम लोगों की इस चैलेंज को पूरा करने में फट के चार हो जाती है। ज्यादातर लोग इस चैलेंज को पूरा ही नहीं कर पाते। अंकित भाई के इस वक्त इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है और ये फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ेंगे। कुछ इस तरह से गांव के एक लड़के ने पूरे सोशल मीडिया पर भवंडर ला दिया। अगर आपको अंकित भाई पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें वो एक बात जो आपको अंकित सिंह के बारे में अच्छी लगती है, और इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें जो अंकित को सपोर्ट करते हैं, और उन लोगों को भी दिखाएं जो उनके अगेंस्ट है ताकि उनको भी एक आईना दिखे जिसमें वो अपनी असली शक्ल देख सके। वैसे क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसा लेक है जिसमें स्केलेटन्स भरे हुए हैं और उसके आसपास भी स्केलेटन्स पाए जाते हैं? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंडिया के बारे में जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। वैसे क्या आपको पता है एलबी यादव को इतना हेट क्यों मिल रहा है? क्या अभिषेक ने सच में 25 लाख खर्च किए हैं नेगेटिव पीआर के लिए? जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।